डॉक्टर ने आपको कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा, और श्रुति का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी लगता है कि आप ही सिर्फ उसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करना चाहता सही। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो अपने केसेस दूसरे डॉक्टर्स को देते हैं, एंड माइंड यू इट्स नॉट अ क्राइम। बहुत से सर्जन ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं श्रुति की सर्जरी नहीं करने वाला। गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ये सर्जरी करने के लिए हाँ क्यों करूं? क्योंकि श्रुति विराट सर की वाइफ है, एक छोटे से बच्चे की माँ है, और उस बच्चे के पीछे विराट सर का नाम जुड़ा है। Exactly. That's the reason मैं ये सर्जरी नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें मुझे श्रुति की कोई गलती नजर नहीं आ रही है। अरे विराट सर ने उसे उम्मीद दे दी, उससे शादी की, उस बच्चा पैदा किया, इसमें श्रुति की क्या गलती है? चीजू, जब तक आपको नहीं पता था कि श्रुति विराट सर की बीवी है, आप खुद उसे समझा रहे थे क्योंकि आपको पता था कि वो डरी हुई है। आपको याद है वो कह रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बेटा अनाथ हो जाएगा। शायद श्रुति को विराट सर पे भरोसा ही नहीं है कि विराट सर अपने बच्चे का ख्याल रख पाएंगे कि नहीं। I must tell you, आप बहुत लकी हैं। जब भी आपका बेबी होगा ना, तो आपको उसको सुलाने की टेंशन ही नहीं होगी। आपके हस्बैंड सब मैनेज कर लेंगे। हालांकि मैंने विराट सर में हमेशा एक अच्छा पिता देखा है, लेकिन शायद श्रुति को सवान परिवार के लोगों का डर होगा कि वो उसे उसके बच्चे को नहीं अपनाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विराट इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। अभी क्या भी घर वालों को बता देना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि विराट ने उनसे छुपा कर दूसरी शादी की है, उसका एक बच्चा है। अभी सम्राट को फोन लगाता हूँ, सबको बता देगा। नहीं 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 जीजू, आप सम्राट दादा को फोन नहीं करेंगे। सही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों उसे बचाना चाहती हो? मैं विराट सर को बचाने की कोशिश नहीं कर रही जीजू। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। मेरी आई, मेरे बाबा, उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बेचारे टूट जाएंगे। विराट सर से पहले वो खुद पर, अपनी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। ये सब जानकर उन पर क्या बीतेगी? आपने कभी सोचा है जीजू? मैं लाख तकलीफें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आई बाबा की सरासी आप ही ना मेरी जान निकाल देती है। ना ही मैं उन्हें तकलीफ दे सकती हूँ और ना ही तकलीफ में देख सकती हूँ। इसलिए आप ये सब विराट सर पे छोड़िए, उन्हें इस सब के साथ जैसे डील करना है वो कर सकते हैं। मैं अभी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ जीजू कि आप प्लीज श्रुति का ऑपरेशन करने के लिए हाँ बोल दीजिए। नो 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 सही, मैं श्रुति का ऑपरेशन करने को तैयार ही नहीं हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों जीजू, जब आपने कहा था आप मेरी बात मानेंगे। सही, तुम जो मुझसे करने को कह रही हो वो सिर्फ तुम्हारी बात मानना नहीं कहलाएगा, बल्कि वो विराट की गिरी हुई हरकत को सपोर्ट करना कहलाएगा। विराट के इस पाप में मैं उसका भागीदार बनने को तैयार ही नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों सोच रहे हैं जीजू, जब मैं आपसे ये करने के लिए कह रही हूँ? वहाँ मैं आपके साथ रहूंगी, अगर मुझे अलाउ किया गया तो पूरे टाइम मैं वहाँ आपके साथ रहूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका ध्यान कहीं नहीं भटके। किस मिट्टी की बनी हो तुम सही, किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उस श्रुति का भला चाहती हो? मैं सिर्फ एक पेशेंट का भला चाहती हूँ, एज अ डॉक्टर यही तो सिखाया जाता है ना हमें। तुम इतनी पर्सनल चीज को भी इतने प्रोफेशनल नजरिए से कैसे देख सकती हो? सही, तुम इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो जिसे कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस ही ना हो। मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ जीजू, मैं सिर्फ एक इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो इंसान जिसे दूसरे इंसान का दर्द, दुख महसूस होता है। श्रुति अभी तकलीफ में है, हमें उसकी वो तकलीफ दूर करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आपको पता है अभी ना मुझे आबा की एक बात याद आ रही है। आबा मुझसे कहा करते थे, सही बाड़ा, अगर तुझे अच्छा डॉक्टर बनना है ना
उससे पहले तुझे अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, उस औरत की भलाई सोच रही हो जिसने तुम्हारा घर तोड़ा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि श्रुति का वैसे ही इलाज हो जैसे मैं अपना चाहती। आबा ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखाया, इसलिए मैं हमेशा वो फैसले लेती हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि श्रुति ठीक हो जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज उसका ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दीजिए। आपको पता है आबा ना मेरी हर इच्छा पूरी करते थे, और आप में मैं अपने बाबा की छवि देखती हूँ, तो क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे? ऑफ कोर्स ये आपका प्रोफेशनल डिसीजन है, मेरा कोई हक नहीं बनता आपको ये बोलने का कि आप क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जीजू मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों मिलकर श्रुति की मदद करें। जिस तरह से तुम अपनी बात रख रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए मनवा ही लोगे। लेकिन सही, अगर इस ऑपरेशन को करने के लिए मैं तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे फील होगा कि विराट की इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जीजू प्लीज अभी आप ये सब मत सोचिए, आप सिर्फ एज अ डॉक्टर अभी अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं, आप अपने पेशेंट की मदद कर रहे हैं उसके सर्वाइव होने में। जीजू पक्का आप मान गए हैं ना, आप श्रुति की सर्जरी करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती हो सही। मैं जानता हूं कि अंदर से ना मैं बहुत दर्द बहुत तकलीफ हो रही है। जब ये दर्द ये तकलीफ आपके साथ ही बन जाते हैं ना, तो आपको इनके साथ की आदत हो जाती है। पहले आई, फिर बाबा मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद से ना जिंदगी ने मेरी दर्द और तकलीफ से दोस्ती करा दी। मैंने इनके साथ हंसना खेलना खाना पीना जीना सीख लिया। ये दुख ये तकलीफ ये दर्द ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन के मैंने समझ लिया जीजू कि अगर मुझे जीना है तो मुझे इन्हें अपनाना होगा। मेरी किस्मत मुझे हर पल ये समझाती रहती है कि मेरी जिंदगी में ना लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये दुख ये दर्द ये तकलीफ ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे सिवाय इस दर्द के इस तकलीफ के ना किसी से साथ निभाने की उम्मीद ही नहीं। तुम उम्र में छोटी हो लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी मैच्योरिटी ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे दुगनी उम्र के लोग भी तुमसे सीख ले सके। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद तुम एक चट्टान की तरह खड़ी हो। I'm really proud of you. और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगी सही, बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी, बहुत कामयाब बनोगी और तुमसे दुनिया इंस्पायर होगी, प्रेरणा लेगी तुमसे। वो सब छोड़िए ना चीजू, अभी जरूरी ये है कि आप श्रुति का ऑपरेशन करेंगे ना। हाँ सही, मैं श्रुति की सर्जरी करूंगा और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे कहा है सही। थैंक यू जीजू। लेकिन आज मैंने एक फैसला किया है सही कि मैं अपनी जिंदगी और यादों से विराट सवान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। पता नहीं मैं कभी विराट सर की यादों को मिटा पाऊंगी भी या नहीं।